الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ناظرين اكرام एक बार फिर हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। क्या आपको कभी किसी छोटे से अंडे जैसे घर में रहने का ख्याल आया है जो हवा और सोलर एनर्जी के जरिए चलता हो? अगर नहीं आया तो जरा सोचिए, ये एक हैरत अंगेज इजाद है जिसे इको कैप्सूल कहा जाता है। इको कैप्सूल अपनी एनर्जी खुद पैदा करता है। वस्ती यूरोप के मुल्क सिलोवोकिया की एक फॉर्म ने बेदबी शक्ल का ये घर तैयार किया है और अब ये घर दुनिया भर में मशहूर होता जा रहा है। इको कैप्सूल की बेजवी यानी ओवल शक्ल की वजह से इसकी सोलर एनर्जी कम से कम खर्च होती है। इको कैप्सूल में बारिश का पानी जमा करने की सलाहियत है। पानी इसकी सतह पर लगे टैंक में जमा हो जाता है, फिर ये फिल्टर होकर पीने के लिए मुहैया हो जाता है। इको कैप्सूल में दो अफराद के रहने की गुंजाइश है। इसमें दो फोल्डिंग बेड, एक छोटा सा किचन, शावर, एक वॉशरूम, बर्तन धोने के बेसन, टेबल और खिड़कियां हैं। 8 मुरब्बा मीटर के इस छोटे से घर में जगह थोड़ी सी तंग है। बाहर से ये कैप्सूल फाइबर गिलास का बना हुआ है। ये घर अपने रहने वालों को साफ हवा के अलावा सूरज की सोलर एनर्जी फराहम करता है। ये घर वजन में बहुत हल्का है, इसलिए इसे कहीं भी आसानी के साथ लिया जा सकता है। यानी अब आप इस घर को दुनिया के किसी भी मकाम पर रख सकते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इस घर में बिजली की 0% भी कोई जरूरत नहीं है। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मिलते हैं इसके अगले सेगमेंट में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।